नमस्कार, मैं आशीष शर्मा, पत्रकार अनादि टीवी न्यूज चैनल बैरसिया। कल बैरसिया के ग्राम पंचायत रावतपुरा में 25 लोगों की अचानक तबीयत खराब हो गई थी और उनको बैरसिया रेफर किया। कुछ प्राइवेट हॉस्पिटल पहुंचे तो कुछ सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पहुंचे। प्रशासन वहां मौके पर पहुंचा है और मीडियाकर्मी के लोग भी वहां पहुंचे। जब मीडियाकर्मी के लोगों ने वहां विशेष जानकारी ली बारीकी से, तो पता लगा कि जो जिन लोगों की तबीयत खराब हुई थी वह दूषित पानी पीने के कारण तबीयत खराब हुई थी। वहां पर नल जल योजना तो बनी हुई है लेकिन चालू नहीं हुई, और कुछ हेडपम्प में से जो पानी पिया था वो उस हेडपम्प का पानी दूषित था। तो ये जानकारी प्राप्त हुई, लेकिन जो जिनकी तबीयत खराब हुई थी वो सकुशल ठीक होकर अपने घर पहुंच गए। जो कुछ एक दो लोग हैं इनका उपचार चल रहा है, वो भी ठीक होकर घर पहुंच जाएंगे। इस घटना के बाद आज मेरे पास बैरसिया नगर से कई फोन आते हैं और कहते हैं, सर ये बैरसिया में भी जो नल जो चल रहे हैं इसमें जो पानी आ रहा है वो बहुत मटमेला टाइप का पानी आ रहा है, गंदा पानी आ रहा है और पीने योग्य पानी नहीं है। तो हर इंसान तो आरओ तो लगा नहीं सकता, सभी को पीने की पानी की आवश्यकता है ही। अब इसमें बच्चे हैं, बुजुर्ग हैं, बड़े हैं, कहीं ना कहीं इनके स्वास्थ्य की चिंता हमेशा रहती है। तो मेरा प्रशासन से ध्यान आकर्षण कराना चाहता हूँ और निवेदन चाहता हूँ कि यहाँ बैरसिया नगर पालिका जो फिल्टर प्लांट है वहाँ पर जाके निरीक्षण करें और देखें कि ये पानी जो है किस कारण ये स्थिति बन रही है कि नगर में पानी पीने योग्य नहीं आ रहा है। कि कल उस घटना से लेके इस घटना को सचेत होने की आवश्यकता है और हम ये चाहते हैं कि सब सुखी रहें, स्वस्थ रहें और निरोगी रहें। बस प्रशासन से अनुरोध है कि प्रशासन इस ओर ध्यान अपना आकर्षण करे। धन्यवाद। आशीष शर्मा।